एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट को समझेंगे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर सेकेंड लेक्चर है। अपने पहले वीडियो में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को डिटेल में समझा विथ प्रॉपर नोट्स एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए, तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक, एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और दूसरा, एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि पावर मस्ट नॉट बी कन्फाइंड इन वन हैंड। जो पावर है वो किसी एक हाथ में सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो अथॉरिटी उन पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है सिंपल डिवीजन ऑफ पावर अमंग मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर है वो किनके बीच होगा। तो मेनली जो डिवीजन ऑफ पावर है वो थ्री लिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच होता है। पावर इज मेनली डिवाइडेड अमंग जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो डिवीजन ऑफ पावर इन्हीं तीनों ऑर्गन्स के बीच होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि डिवीजन ऑफ पावर अमंग जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो अपने इस पहले टॉपिक में हम इन्हीं तीनों बॉडीज के बारे में बात करेंगे और उनके पावर्स के बारे में बात करेंगे इन ब्रीफ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप लिखो एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो मेनली जो डिवीजन ऑफ पावर है वो तीन एलिमेंट्स के बीच होगा। एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। राइट, चलिए। लेजिस्लेचर, हम जानते हैं कि लेजिस्लेचर को रूल मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इट इज रूल मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? रूल मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव क्या है? रूल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट है। रूल एप्लीकेशन बॉडी। तो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाने का पावर हमारे लेजिस्लेचर के पास है। और जो भी रूल्स, जो भी लॉज बनाए जाएंगे लेजिस्लेचर के द्वारा, उनके एप्लीकेशन का पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास है। फिर आता है हमारा जुडिशरी। ये बेसिकली ये इंश्योर करता है रूल एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट।
डिपार्टमेंट से मतलब ये है कि जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं, अगर कोई पर्सन उन लॉज के वॉयलेशन में कोई एक्ट करता है तो उसे प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाएगा, ताकि सोसाइटी में पीस एंड हारमोनी मेंटेन रहे और रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो बरकरार रहे, राइट? तो दीज आर दी थ्री एलिमेंट्स, राइट, जिनके बीच क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, इसलिए हम इसे एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, यानी डिवीजन ऑफ पावर इज मेनली डन अमंग दीज थ्री बॉडीज। जो पावर का डिवीजन होगा वो इन्हीं तीनों बॉडीज के बीच होगा, राइट? चलिए, तो लेजिस्लेचर क्या है? रूल मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है जो लॉज बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव उन लॉज के प्रॉपर एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है, कैसे उन लॉज का एप्लीकेशन कराया जाएगा सोसाइटी में, और जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं उन लॉज को जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो प्रॉपरली फॉलो करें, राइट? तो ये हो गया। आइए, अगर हम लेजिस्लेचर को देखें तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है टू मेक लॉज फॉर गुड गवर्नेंस, टू मेक लॉज फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर के पास पावर होता है कि वो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उनके बीच अमेंडमेंट कर सकता है। तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि एग्जिस्टिंग लॉज, एग्जिस्टिंग रूल्स में अमेंडमेंट कर सकता है, पावर टू अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉज, राइट? इट इज हैविंग पावर टू अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉज। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, लेजिस्लेचर के पावर्स अगर हम देखें तो पावर टू पास लेजिस्लेशन। दूसरा, पावर टू डिक्लेयर वॉर। तीसरा, पावर ओवर बजट। Power to establish codes. Right? So these are the powers of legislature. ये क्या है? Legislature के कुछ powers हैं। अब हम आते हैं executive, जो कि rule application bodies हैं। ये basically क्या करती है? जो भी laws बनाए गए हैं legislature के द्वारा, उनके implementation के ऊपर काम करती है। Right? तो Works over proper implementation and enforcement of laws made by legislature, right? अच्छा, अगर हम एग्जीक्यूटिव के पावर्स को देखें तो बेसिकली ये उन एजेंसीज के ऊपर कंट्रोल रखने का काम करती हैं जो लॉज के एनफोर्समेंट को लेकर के काम करते हैं। तो पावर टू कंट्रोल द एजेंसीज विच एनफोर्सेस द लॉज। दूसरा, पावर टू नेगोशिएट द ट्रीटीज। अब देखो, जैसे बारिश कभी भी आ सकता है तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लो, ठीक है? तो पावर टू नेगोशिएट द ट्रीटीज को नेगोशिएट कराने का पावर एग्जीक्यूटिव के पास होता है। पावर टू नॉमिनेट द जजेस को नॉमिनेट करने का भी पावर एग्जीक्यूटिव के पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, राइट? पावर टू पार्डन द क्रिमिनल्स को पार्डन करने का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास है। हम जानते हैं आर्टिकल 72 के तहत जो प्रेसिडेंट है,
तो पावर टू ग्रांट पार्डन आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन दे सकती है क्रिमिनल को, इंक्लूडिंग डेथ पेनाल्टी, और आर्टिकल 161 के तहत स्टेट के पास पावर है एक्सेप्ट डेथ पेनाल्टी। तो डेथ पेनाल्टी को छोड़ करके वो किसी भी पनिशमेंट को क्या कर सकती है, वो उसे छूट दे सकती है एक्यूज्ड को, कॉन्विक्ट को। ठीक है, चलिए अब हम जुडिशरी के बारे में बात करें। तो जुडिशरी हम जानते हैं, जुडिशरी रूल एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट, इट इज व्हाट, इट इज रूल एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट, या बॉडी लिख सकते हो रूल एडजुडिकेशन बॉडी। ये इंश्योर करना कि जो लॉज हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। इफ एनी पर्सन इज वायोलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ तो उन्हें प्रॉपर पनिशमेंट ग्रांट करना किसके पास पावर है, जुडिशरी के पास पावर है। साथ ही जुडिशरी के पास पावर है कि अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसे लॉज बनाता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का भी पावर है किसके पास, जुडिशरी के पास। जुडिशरी के पास पावर है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो रूल एडजुडिकेशन बॉडी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मेड बाय लेजिस्लेचर। तो जो भी लॉज बनाए गए हैं उन स्टैट्यूट्स का, उन लॉज का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन का काम किसका है, जुडिशरी के पास है। यानी टू ड्रॉ द करेक्ट मीनिंग और टू ड्रॉ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिसके मीनिंग को लेकर के डाउट है तो उन लॉज का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना, टू ड्रॉ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दोज लॉज, इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका है, जुडिशरी के पास है। और फोर्थ सेमेस्टर में आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन का काम किसका है, जुडिशरी के पास है। टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स के, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, जुडिशरी की। अच्छा, पावर टू रिव्यू द लॉज, टू रिव्यू द लॉज, तो जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जा रहे हैं उन लॉज का रिव्यू कौन करता है, जुडिशरी करता है। ये इंश्योर करता है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं कि नहीं है, क्या ये लॉज किसी मैनर में हमारे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। अगर ऐसा है तो जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन्हें ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दोगे और इनके पावर्स को लिख दोगे। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। जैसे पहला, एम्स टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरीनेस एंड प्रमोट्स एंड अकाउंटेबल एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर है एंड ईच गवर्नमेंटल अथॉरिटी इज अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, जितने भी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं वो अपने वर्क के लिए
क्या है, अकाउंटेबल है, लाइबल है। तो इससे क्या होगा कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकता है, यानी वो अपने पावर्स का मनमाने तरीके से यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। तो पहला एडवांटेज क्या है इसका, जो पहला एडवांटेज है वो है एम्स टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरीनेस, टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरीनेस एंड प्रमोट, और प्रमोट करना एंड अकाउंटेबल एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल कि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया उसका इफेक्ट क्या रहा, तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन है, खुद गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पावर्स और अपने फंक्शंस का इस्तेमाल खुद कर रही है। तो एक अकाउंटेबल और एक पीसफुल डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर टू एक्सक्लूड द आर्बिट्रेरीनेस, ताकि लोग, ताकि गवर्नमेंटल ऑर्गन्स अपने पावर्स का मनमाने तरीके से यूज ना करें, राइट? ओके, दूसरा क्या है, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। आप अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर हेल्ड लाइबल फॉर योर जॉब, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, राइट? तो प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर। तीसरा, इट कीप्स अ चेक ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, keeps a check on all the branches of government by making them accountable. For themselves. तो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं वो अपने वर्क को चेक कर सकती हैं कि वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, विद इन दियर पावर एक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो एक प्रकार से बैलेंस क्रिएट करना उनके पावर्स के बीच, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है किसका, सेपरेशन ऑफ पावर का। तो टू कीप अ चेक ऑन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट बाय मेकिंग देम अकाउंटेबल फॉर देमसेल्व्स, राइट? ओके, फिर क्या है, देखो फिर है, इट मेंटेन्स अ बैलेंस अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय डिवाइडिंग द पावर्स अमंग देम, सो दैट पावर्स डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी वन ब्रांच अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेरीनेस। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, तो पावर गेट बैलेंस्ड विच लीड्स टू एक्सक्लूडिंग आर्बिट्रेरीनेस। देखो हमने क्या किया है, ये जो तीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच पावर्स का डिवीजन हमने इक्वली किया है। हमने इस तरीके से पावर का डिवीजन किया है इनके बीच कि ये अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट एक्ट कर सकते हैं, कोई किसी दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे उनके बीच इक्वालिटी रहेगा, उनके पावर्स के बीच इक्वालिटी रहेगा, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच
अराइज नहीं होगा रिगार्डिंग द यूज ऑफ पावर, राइट। ये है फिर अलाउज ऑल द ब्रांचेस, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये तीनों ब्रांचेस को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि वो अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में स्पेशलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं, वो अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो आप लिखोगे अलाउज डिफरेंट ब्रांचेस, allows different branches of government to achieve specialization in their respective field. As well as it provides enough opportunity to gain efficiency in their respective job. ठीक है, तो ये है objective of separation of power. अब देखो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने का सिंपल सा जो रीज़न है वो यही है कि हमारी ना इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग है ना ही हम ज़्यादा हिंदी में स्ट्रांग हैं, तो आपको बेसिक इंग्लिश अगर आता है तो ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है. ठीक है, अब केवल एक ही लैंग्वेज में पढ़ाना, केवल इंग्लिश में पढ़ाना या केवल हिंदी में पढ़ाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल इंग्लिश का यूज़ करके आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हैं हम बेसिक इंग्लिश जानते हैं, तो अगर हम दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं तो अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, राइट. तो ये एक फ़ायदा है. और कोशिश करो आप, अगर आपका मीडियम हिंदी में है तो आप कोशिश करो इंग्लिश समझने की, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में लिखते हो एग्ज़ाम में तो ये प्लस पॉइंट काम करेगा. आप देखना, अब यहाँ पे जो हिंदी में लिख रहे हैं उन्हें मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर आप लॉ फील्ड में हो तो आपको बेसिक इंग्लिश जानना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए. तो कोशिश करो इंग्लिश जानना, समझना, लिखना. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही. आज हमने एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर समझा, हमने ये जाना कि जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो मेनली तीन बॉडीज़ के बीच किया गया है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखा. अब अपने आने वाले वीडियोस में हम एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझेंगे और फिर हम सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया इस कंसेप्ट को समझ लेंगे. तो ये दो टॉपिक हैं सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर. उसके बाद हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कंसेप्ट को समझेंगे. तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने कुछ अच्छा सीखा. अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.